जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वैक्यूल्स। देखते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। हमारे पास जो सेल में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसी तरह वैक्यूल जो है वो भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। और ये सेल में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो वैक्यूल होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यहाँ हम लिख भी लेते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, इसकी जो कवरिंग है वो एक मेम्ब्रेन की ही होगी, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनेली है इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, लिक्विड फिल्ड होता है, ठीक है, लिक्विड फिल्ड होता है। अब हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में ही हमारे पास पाए जाते हैं वैक्यूल्स। लेकिन एक बात जो दोनों में डिफरेंट है, इनमें साइज का फर्क है, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया फ्लूइड फिल्ड, इनमें फर्क है साइज का। हम यहाँ ऐसा करते हैं कि दोनों में प्लांट और एनिमल सेल में कंपैरिजन कर लेते हैं, देखते हैं कि प्लांट के और एनिमल सेल के वैक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लांट सेल, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल में तकरीबन तमाम ऑर्गेनेल्स सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो इसमें हमारे पास वैक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके साइज में डिफरेंस है, ठीक है, और नंबर में भी फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर हमारे पास एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास एनिमल सेल है उसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्लांट सेल होगा उसमें वन वैक्यूल होगा और बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं वन वैक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास स्मॉल मैनी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम मोस्टली फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं। वैक्यूल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास प्लांट में हम पानी देते हैं पौधों को, वो जाके ज्यादातर जो स्टोर होता है प्लांट सेल के अंदर वो वैक्यूल में होता है, ठीक है। उससे वो टर्जिट हो जाता है, सख्त नजर आता है और उसकी शेप बन जाती है और वो बिल्कुल फ्रेश लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास वाटर इसमें फिल होता है, और जो हमारे पास एनिमल सेल होता है उसके अंदर हमारे पास सेल वैक्यूल जो होते हैं मोस्टली फूड के बने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फूड जो हम खाते हैं वो वैक्यूल में मौजूद होती है प्लस वाटर होता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको फूड वैक्यूल्स भी कहते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं। तो ये जो हमारे पास वैक्यूल है प्लांट सेल का, वो क्या करता है, इसको टर्जिट करता है, मीन उसकी शेप मेंटेन रखता है, उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास एनिमल सेल है वो उसमें जो फूड वैक्यूल्स होंगे वो मिल्क के लाइसोसोम्स जो के एंजाइम बनाते हैं उनके साथ फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि ब्रेक डाउन करता है फूड की, और किसके साथ मिलेगा, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जिनके अंदर हमारे पास एंजाइम होते हैं जो फूड को हम डिग्रेड करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स। और प्लस क्या होगा हमारे पास, वैक्यूल होगा। यहाँ हमने लिख लिया वैक्यूल, तो ये मिलके ब्रेक डाउन करेंगे फूड की, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, डायग्राम के जरिए इनको देख लेते हैं। जी, अब हमारे पास ये एक प्लांट सेल है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है, हमने इसमें लेबल किया हुआ। ये जो बड़े वाला आपको दरमियान में सेंटर में नजर आ रहा है ये वैक्यूल है, और ये देखिए सबसे बड़ा और एक ही है। और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और ये बहुत सारे हैं, देखिए ये वन ये है, ये टू थ्री, काफी सारे हैं, ठीक है। तो ये इनके साइज में और नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ये ज्यादातर फूड वैक्यूल्स कहलाते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। अब इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स जो एनिमल्स रहते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, वाटर में रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या होता है, ये वैक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो बॉडी से बाहर रिलीज करता है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं, वो क्या करेगा, बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करेगा। इधर हमने लिख लिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और रिलीज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम बॉडी, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम सेल, ठीक है। एक सेल से बना है तो एक सेल सेल से ही करेगा, ठीक है, फ्रॉम सेल, सॉरी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि रिलीज एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, सेल से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब आज हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा है, और वैक्यूल जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड एक हमारे पास ऑर्गेनेली है, और जो ये ऑर्गेनेली है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि साइज का फर्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ये वाटर की बैलेंस को कंट्रोल करता है।